हेलो दोस्तों मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका गरिमा जमी फूड रेसिपीज पर आज मैं आपके लिए जिमिकन की रेसिपी लेकर आई हूं कुछ लोग इसे जिमिकन के नाम से जानते हैं कुछ सूरन बोलते हैं कुछ ओल बोलते हैं गांव में इसे ओल बोला जाता है यूपी के गांव में और कहीं कहीं जिमिकन या फिर सूरन बोला जाता है तो आज जिमिकन की इस रेसिपी को मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने फर्स्ट टाइम जिमिकन की रेसिपी का वीडियो लेकर आई हूँ इस रेसिपी को आप पूरा ध्यान से ज़रूर देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ़ के जी जिमीकंद है पाँच सौ ग्राम है जिसे कि मैं पीसेस में कट कर रही हूँ और जिमीकंद में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है साथ ही एक टाइप का रस निकलता है जिससे कि हमारे हाथों में कभी कभी खुजली भी हो सकती है तो सबसे पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने हाथों पर तेल लगा लिया है और जो नाइफ़ है उस पर भी तेल लगाया है तेज़ नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी इसे कटवाने के लिए तो जो छिलका है मिट्टी वाला पार्ट है उसे अच्छे से हम कट करके अलग कर देंगे मिट्टी काफ़ी होती है इसलिए छिलका थोड़ा मोटा ही उतारते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से छिलका पूरा उतार रही हूँ और जो इस तरह का कटा कटापिटा पार्ट है वो उसे निकाल कर अलग कर दें बीच के जो पिंक वाले पीसेस हैं वो अलग करते जाएं और जिमिकंद के बारे में एक बात और बताना चाहूँगी कि जो जिमिकंद होता है वो अंदर से अगर पिंकिश टाइप का कलर है मतलब जिस टाइप का आपको वीडियो में दिख रहा है तो वही वाला जिमिकंद खरीदें जो वाइट होते हैं वो अक्सर आपके गले में खुजली पैदा कर सकते हैं तो ये जो ज़िमिकंद है ये एकदम अच्छी क्वालिटी का है अंदर से पिंक टाइप का है थोड़ा पीच कलर का होता है ये वाले जिमिकंद जो है अच्छे माने जाते हैं और इनको खाकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गले में खुजली नहीं होगी साथ ही इसकी जो सब्जी मैं बना रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जिमीकंद को छील लिया है और इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ तो इसी तरीके से हम करेंगे और इसके साथ मैंने दो आलू भी ऐड किए हैं तो अभी मैंने जिमीकंद और दो आलू को कट करके रख लिया और इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया तो अच्छे से साफ हो चुका है तो अब इसे हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है दो बड़े चम्मच और इस तेल को गरम करने के बाद इसी में हम आलू और जिमीकंद को अच्छे से फ्राई करेंगे तो अभी यहाँ पर तेल गरम हो चुका है इसमें मैंने आलू और जिमीकंद डाल दिए हैं और इसे हम मीडियम आंच पर चलाते हुए फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर इसे फैला कर छोड़ दें और बीच बीच में चलाते रहें तो जब तक ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इन्हें हम फ्राई करेंगे तो जब तक दोस्तों जिमीकंद फ्राई हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक मसाला तैयार करूंगी मैं तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूरी पोटली लहसुन को और बिना छिले ही इसकी करियों को अलग कर लिया है छिलने की जरूरत नहीं है साथ ही चार साबुत वाली लाल मिर्चें ले ली हैं यह मिर्ची कलर अच्छी देती है इसलिए मैं साबुत मिर्च लाल मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी सी दो छोटी चम्मच धनिया डाली है धनिया के बीज ऐड किए हैं कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे उनका पेस्ट तैयार करेंगे और काली मिर्च के दाने ले लिए हैं साथ ही ये है जावित्री जावित्री मैंने ले लिया है एक छोटी इलायची ले ली है जो खड़े गरम मसाले होते हैं उन्हें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दो लौंग ले ली है और दालचीनी के दो छोटे छोटे टुकड़े हैं और अब हमें करना ये है कि मिक्सी के जार में इन मसालों को मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर इनको एक बारीक पेस्ट तैयार करना है इन मसालों का बहुत ही अच्छा सा एकदम बारीक सा पेस्ट तैयार कर लें और इधर आप देख सकते हैं कि जिमिकंद अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो हम इसे क्या करेंगे कि तेल से अलग करेंगे जैसे ही आपको लगे कि चारों ओर से गोल्डन हो चुका है तो जिमी को बाहर निकाल लें और इसके बाद से सब्ज़ी बनाने की तैयारी करें तो अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे और सब्ज़ी मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी जिमिकन को फ़्राई कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और कढ़ाई में फ़्राई किया था तो सरसों का तेल ही लिया है वापस से और जो जीमिकन के तेल बचे उसे भी हम इस सब्ज़ी में ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर मैं प्याज डालकर चेक कर रही हूँ कि तेल गर्म है या नहीं तो यहाँ पर दो बड़े प्याज को बारीक चॉप किया है और प्याज और टमाटर इस सब्ज़ी में काफ़ी अच्छे से पड़ते हैं तो मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं अच्छे से चॉप करके आप देख सकते हैं तेल में डाल दिया है और बस प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें यहाँ पर तो अभी यहाँ पर प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं अब टाइम आ गया है इनमें मसाले ऐड करने का तो प्याज के लाल होते ही हमने जो मसाले पीस कर रखे थे खड़े मसाले और लहसुन का मिक्सचर उसी मसाले को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं डालूँगी थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए और धनिया तो मैंने पहले डाला ही था मसाले में तो बस यहाँ पर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पर हमें ढककर भूनना होगा जितनी धीमी आंच पर इस मसाले को भूनेंगे उतना ही बढ़िया स्वाद आता है सब्ज़ी का तो मैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आज को एकदम सिम कर दिया है और इसे ढक कर भूनते रहेंगे बीच बीच में चेक करते रहेंगे तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले जो है कितने अच्छे तरीके से भून गए हैं तो इसी तरह से धीमी धीमी आँच पर भूनते हैं तो ये मसाले अच्छे भूनते हैं और मसालों में बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए अगर आपको लगे कि मसाले गीले हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा और भून लें और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर तो दो लगभग बड़े हुए कटे टमाटर थे जिन्हें मैंने यहाँ पर ऐड किया है और टमाटर को भी यहाँ पर हम नमक डालेंगे टमाटर के साथ ही साथ जैसे कि मतलब टमाटर गल जाए तो टमाटर के साथ नमक डालना ज़रूरी है तो अब टमाटर और नमक को थोड़ा सा भूनने तक पकाएंगे जिससे कि मतलब टमाटर भी तेज छोड़ दे या फिर गल जाए टमाटर इतना भूनना है और अभी पाँच मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर भी काफ़ी अच्छे तरीके से गल गया है तेल भी छोड़ दिया है मसालों ने तो इसी तरीके से हमें भूनना है यहाँ और यहाँ पर अब टाइम आ गया है जिमिकंद और आलू के डालने का फ्राई जीमिकंद और आलू जो कि हमने रखे थे फ्राई करके उन्हें मैंने मसाले में ऐड कर दिया है तो बस इस जिमिकंद और आलू को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे दो मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करेंगे और अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ अमचूर का पाउडर क्योंकि जिमिकंद में जब तक खटास ना हो तो सब्ज़ी का मज़ा नहीं आता तो टमाटर के साथ साथ थोड़ा अमचूर या फिर आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं वो भी टेस्टी लगता है तो मेरे पास नींबू का रस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर अमचूर का पाउडर ऐड किया है और अब यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कैसा भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर लगभग एक गिलास पानी ऐड किया है ग्रेवी के लिए और यहाँ पर मुझे ग्रेवी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ तो लगभग सवा गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुकर का ढक्कन लगाने लगाएँगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे तो एक सीटी आने के बाद आप क्या करें कि गैस को एकदम सिम कर दें और पाँच से छः मिनट लगभग जिम्मेगन की सब्ज़ी को इसी तरह धीमी धीमी आँच पर पकने दें उससे क्या होगा कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी पक जाती है ग्रेवी भी पक जाती है और फिर कोई कमी नहीं रहती सब्जी में तो इस तरह से आप पका लें और अभी आप देख सकते हैं प्रेशर निकलने के बाद जब मैंने कुकर का ढक्कन खोला तो सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी कितनी ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है और ये सब्ज़ी पूड़ी रोटी या फिर पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और इस सब्ज़ी में हरी धनिया से गार्निश करेंगे और ये सब्ज़ी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारे घर में इसी तरह बनाई जाती है और हरी धनिया से गार्निश करने के बाद सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है रोटी पूड़ी पराठे के साथ इंजॉय करिए आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा फिर मिलूंगी आपसे नई नई टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू